सिर्फ एक उपाय भी अगर आपने विश्वास के साथ कर लिया तो इससे भी आप अपने जीवन में परिवर्तन देख पाएंगे। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम खुश होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आ रही है नागपंचमी। नागपंचमी आ रही है 2 अगस्त 2022, जो कि मंगलवार वाला दिन है। तो अगर आपको कालसर्प दोष है या आपको सांप के बहुत ज़्यादा बुरे बुरे सपने आते हैं, खास तौर पे सांप के सपने आते हैं और आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी कि आपका कोई भी काम नहीं बनता है या बनते बनते एकदम काम आपका रुक जाता है, बहुत ज़्यादा आपको रुकावट आती है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, किसी को घर में बहुत ज़्यादा बुरा एडिक्शन है, या तो फिर आपकी शादी नहीं हो रही है, संतान नहीं हो रही है, बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम से आप बुरी तरह परेशान हो चुके हैं। अगर कोई भी परेशानी है, यहाँ तक कि आपने बहुत सारी पूजा पाठ करा ली उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो ऐसे में सिर्फ एक उपाय भी अगर आज के दिन आपने कर लिया विश्वास के साथ, आप खुद अपने जीवन में परिवर्तन देख पाएंगे। जो आज मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, एक बार इसको करके देखिएगा, परिवर्तन आना ही आपके जीवन में। सही कर्म करते हुए उपाय कीजिएगा तो निश्चित ही आपकी जीत होगी। तो अब उपाय के रूप में आपको करना क्या है, सिंपल सा उपाय है। आपको क्या करना है, देखिए शिवलिंग के ऊपर नाग देवता होते हैं, या अलग से भी, देखिए आप बहुत मंदिरों में जाएंगे तो अलग से नाग देवता की मूर्ति भी वहाँ पे होती है, यानी कि स्टैचू होता है छोटा सा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, वहाँ पर सिंपल आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है, ओके। और जल चढ़ाते हुए आपको माफ़ी मांगनी है। कालसर्प दोष क्यों आता है, ये हमारे पिछले जन्म के कर्माज हैं। अगर कभी किसी को पिछले जन्म में नाग देवता को या नाग को हर्ट किया है या उनको चोट पहुंचाई है, तब जाके कालसर्प योग ये बनता है, क्योंकि हमारे कर्माज ही हैं, उसके हिसाब से हमारी कुंडली बनती है। तो उसको ठीक आप ही कर सकते हैं, भले आपने कितनी भी पूजा करा ली, उसके बाद भी आप देख रहे होंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया है। कुछ देर के लिए आपको शांति ज़रूर लगती होगी, लेकिन ओवरऑल अपने लाइफ में आप चेंजेस नहीं देख पा रहे होंगे। तो एक बार अपने हाथ से उपाय को कीजिए, परिवर्तन आएगा। सिर्फ एक बार भी अगर आपने किया तो परिवर्तन आएगा। अब आपको करना क्या है, नाग देवता के ऊपर आपको जल चढ़ाना है, उसमें आपको ये बोलना है कि पिछले जन्म में या ये जन्म में जाने अनजाने में मैंने किसी भी प्रकार से आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, आपको दुख दिया है, आपको प्रॉब्लम दी है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अपनी भाषा में आप इसको बोल सकते हैं, मुझे माफ़ कर दो और मेरी रक्षा करना, मेरी और मेरे परिवार की सदा रक्षा करना, ठीक है। बस ऐसा आपको बोलना है जल चढ़ाते हुए। बाद में आपको क्या करना है, आपको एक हाथ, अपना कोई भी एक हाथ नाग देवता के सर के ऊपर, जो उनका फन का हिस्सा होता है ना, वहाँ पे सर पे रखना है, और दूसरा हाथ आपको उसी वक्त उनकी पूंछ पे रखना है, यानी कि एक हाथ ऊपर आप रखेंगे फन पे, एक हाथ आप नीचे रखेंगे पूंछ पे, और फिर आपको आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय बोलना है। हार्डली आपने 2 या 3 बार भी बोला तो ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और फिर आप चाहे तो वापस से दोबारा माफ़ी मांग सकते हैं और प्रोटेक्शन के लिए उनको बोल सकते हैं। मान लो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा बुरे सपने आते हैं तो प्लीज़ मुझ पर कृपा करें, मुझ पर दया करें, मुझे सपनों में आके बिल्कुल ना डराएं, उल्टा आप मेरे रक्षक बने, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो, बस इतना करना है आपको। अब ये जो मैंने आपको उपाय बताया ना, आप चाहें तो इसको रिपीट भी कर सकते हैं, नागपंचमी के बाद आप कोई भी दिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सोमवार वाले दिन ही आपको बाद में करना है। जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है या आपको सपना इनके साथ है, वैसे तो इसके बाद आपको नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको आ रहा है या ये इस दिन आप उपाय करने से चूक गए या वीडियो आपने लेट देखा है, इस उपाय को कभी भी आप लाइफ में कर सकते हैं, कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक उपाय भी आपके जीवन में परिवर्तन लेके आ सकता है। कालसर्प दोष है तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, यहाँ पे आज के दिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा आटा आपको लेना है और थोड़ी सी शक्कर लेनी है, ठीक है। आटा और शक्कर आप ले लीजिए और इसको मिक्स करके किसी भी पेड़ के नीचे आप डाल दीजिए जहाँ पर ये चींटियाँ खा लेगी। इस उपाय को भी आप कभी भी रिपीट कर सकते हैं। इनकेस आपको राहू या राहु केतु दोनों से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको, तो भी ये दोनों उपाय आपके लिए काम करेंगे, या सिर्फ जो पहले वाला मैंने आपको एक उपाय बताया ना, वो भी आपने कर लिया तो फ़र्क आएगा। देखिए राहु क्या होता है, वो सर का हिस्सा होता है, और जो पूंछ का हिस्सा होता है केतु,
तो राहु केतु से रिलेटेड अगर आपको दिक्कत है तो नाग देवता के सर पे और पूंछ पे भी आपने हाथ रख लिया और ये माफ़ी मांग ली और प्रार्थना कर ली, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। अब आपको और एक उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आपको दुश्मनों से बहुत ज़्यादा डर लगता है या आपको लगता है कि कोई ना कोई आपको हर्ट कर लेगा या कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है, अब आपको ऐसे में क्या करना है, थोड़ा सा आपको पानी लेना है, ओके। अब उसके अंदर आपको शक्कर डालनी है थोड़ी सी। जो भी आपके दुश्मन है या जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, चाहे फिर वो घर का हो, बाहर का हो, ऑफिस का हो, उन सभी के आप नाम ले लीजिए। अगर आपको नाम नहीं पता या आपको ऐसा भी लगता है कि कोई छुपे हुए दुश्मन है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि जिनको मैं जानता हूँ या जिनको मैं नहीं भी जानता हूँ, अगर ऐसे भी कोई मेरे दुश्मन है तो उनसे मेरी रक्षा करना, ऐसा बोलते हुए आपको उसमें शक्कर घोलनी है पानी के अंदर। अब ये जो पानी है आपको क्या करना है, शिवलिंग पे आपको जाके चढ़ा देना है, ओके। और वहाँ पे नाग देवता है तो उनके ऊपर भी आप ये थोड़ा सा शक्कर वाला पानी आप ये चढ़ा देंगे। बस इतना ही आपको ये करना है। इस उपाय को आप चाहें तो रिपीट भी कर सकते हैं। शक्कर आप कितनी भी डालें, पानी कितना भी लें, लेकिन ये जो मैंने आपको उपाय बताया इसमें शक्कर वाला पानी आपको घर से तैयार करके लेके जाना है। ये नहीं कि वहाँ पे आपने पानी भरा मंदिर से जाके फिर वहाँ पे शक्कर मिला, ऐसे नहीं करना है। चाहे तो आप बॉटल तैयार करके लेके जाना, फिर वहाँ जाके आप ये जल चढ़ाना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। इससे आप देखेंगे कि जो भी आपके दुश्मन हैं या जो भी आपसे जलसी करते हैं या जो भी आपको परेशान करें, वो धीरे धीरे ठंडे होते चले जाएंगे। उस वक्त आपको जल चढ़ाते हुए भी वापस से माफ़ी मांगनी है और ये बोलना है कि इन सब से मेरी सदाई रक्षा करना। ना तो मैं उनका बुरा चाहता हूँ, ना मैं चाहती हूँ ना उनका बुरा हो ना मेरा बुरा हो, वो भी खुश रहें मैं भी खुश रहूँ, बस ऐसे आपको ये करना है, ठीक है। इस तरीके से आप ये कीजिएगा। अगर आपको सपोज ट्रैवल करते हुए आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, ख़ास तौर पे आपको लगता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा या गाड़ी में कुछ हो जाएगा, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये शक्कर वाला पानी आप मनोकामना करके इस तरीके से चढ़ा सकते हैं, शिवलिंग पे भी और नाग देवता पे भी। इस उपाय को आप रिपीट भी कर सकते हैं। अगर आपको पैसे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कत है या आप को कर्जे की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो ऐसे में शुगर केन जूस यानी कि गन्ने का रस आपको लेना है और वो आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है आज के दिन मनोकामना करते हुए। अब ये जो गन्ने के रस वाला उपाय है, इसको भी आप चाहें तो रिपीट भी कर सकते हैं, कोई भी दिन कर सकते हैं, कितनी भी बार कर सकते हैं। लेकिन एक दिन भी अगर आपने ये उपाय किया विश्वास के साथ, तो परिवर्तन आना ही आना है। अगर पति पत्नी के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है या आपका माता के साथ बिल्कुल भी मतलब नहीं बनती है या अनबन है, या आपको डिप्रेशन की समस्या है, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल यानी कि पानी लेना है, उसमें मामूली सा दूध, हार्डली आधा या एक चम्मच ही डाल दीजिएगा, कोई भी दूध आप ले सकते हैं, और मामूली से थोड़ी सी शक्कर, ये तीनों चीज़ें आपको शिवलिंग पे भी चढ़ानी है और नाग देवता पे भी आज के दिन जाके चढ़ानी है। मनोकामना करते हुए कीजिएगा, पॉजिटिवली इसको लेके कीजिएगा कि अब आज के बाद सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही होगा। अगर आप ऐसा करेंगे, परिवर्तन आप अपने जीवन में देख पाएंगे। ये पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, इस उपाय को रिपीट भी कर सकते हैं, किसी भी दिन भी कर सकते हैं। इनकेस आप पीरियड्स में हैं तो आज के दिन आप उपाय ये कोई भी नहीं कर सकते, तो कभी भी आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप मंदिर में नहीं जा पाते और आप घर पे ही करना चाहते हैं, तो ऐसे में सिर्फ आपके पास मान लो कि शिवलिंग है, तो शिवलिंग के ऊपर ही नाग देवता को याद करते हुए वह आप शिवलिंग पे ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये आप चढ़ा सकते हैं। बाद में वो जो भी आपने उस पे चढ़ाया है जल या आपने सपोज़ दूध चढ़ाया, जो भी है, वो बाद में आप पौधे में डाल सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग भी नहीं है, तो जो चीज़ मैंने आपको चढ़ाने के लिए बोली है, उस चीज़ को आप या किसी भी बर्तन में या किसी भी लोटे में या ग्लास में आप शिव भगवान के आगे रख दीजिए। अब शिव भगवान की फ़ोटो भी नहीं है, तो केवल पूजा स्थान पे उनको याद करते हुए आप वहाँ पे रख लीजिए,
ठीक है, नाग देवता को भी आप याद करेंगे और शिव भगवान को भी याद करेंगे और जो भी मनोकामना आप वो बोल देंगे। बाद में सिंपली आप ये लेंगे और चाहे वो पानी हो, दूध हो, शुगर केन का जूस हो, जो भी आपने चढ़ाया है वहाँ पे, यहाँ रखा है आपने पूजा स्थान पे, उसको किसी भी पेड़ के नीचे आप जाके चढ़ा देंगे। आप उसी दिन जाके शाम होने से पहले चढ़ा दीजिएगा, बस इतना ही करना है। मैंने कोशिश की है जितना हो सके आपको ऑल्टरनेट बताऊं कि काफ़ी सारे लोग हैं जिन जो नहीं कर पाते हैं या घर से नहीं निकल पाते, तो उनको मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि ऑल्टरनेट बता दूँ। अगर आप नहीं निकल सकते तो आप किसी और को भी दे सकते हैं कि वो जाके पेड़ के नीचे डालें, ठीक है। बस विश्वास के साथ कीजिएगा और जो भी मैंने आज आपको उपाय बताया ना, एक बार ये करके ज़रूर देखिएगा, परिवर्तन आना ही आपके जीवन में। तो वीडियो अगर पसंद आए तो मुझे लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों की भी तकलीफ दूर हो पाए। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम के ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंदु जी के रेमेडीज़। अगर चैनल पे आप नए आए हैं और आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज और एक ही बार करना होता है। नीचे रेड कलर का बटन है, वहाँ पर आपको प्रेस करना है, उसके पास में आपको घंटी का ऑप्शन दिखेगा, तीन तरह की घंटी दिखाई देगी, वहाँ पर ऑल वाली जो घंटी है ना उसको आप प्रेस कर लीजिएगा। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा, ईश्वर करे कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। विश यू ऑल द बेस्ट, हरिओम, नमस्कार।